हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। भूषण दिस साइड, सिविल इंजीनियर डिग्री ब्लॉगर बाय चॉइस एंड यस अ वीडियो एडिटर बाय पैशन। इन आज के वीडियो में हम जानेंगे अबाउट अ रेजर टूल कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इन प्रीमियर प्रो। ठीक है, सो चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, लेट्स गो। गाइज, हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ फुटेजेस पहले ही ले चुका हूँ आपको बताने के लिए रेजर टूल के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले ये तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये है हमारा टूल बॉक्स बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे सारे टूल्स आपको मिलेंगे जो कि आपको यूज़ करने हैं आपके एडिटिंग के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ही जो फोर्थ नंबर का आइकॉन है, ठीक है, दैट इज़ रेजर टूल। ठीक है, अभी ये रेजर टूल है क्या? बेसिकली रेजर टूल इसलिए यूज़ होता है ताकि आप जो है कोई भी क्लिप हो, समझो एक बड़ी क्लिप है, आपको उसमें से कुछ पार्ट अनवांटेड पार्ट हटाना है या कुछ भी ऐसा करना है, आपको क्लिप छोटी करनी है या आपको वो जो क्लिप नहीं चाहिए उसको उड़ा देना है, सो इन दैट केस यू यूज़ अ रेजर टूल। ठीक है, सो रेजर टूल का शॉर्टकट है सी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सी जैसे ही आप प्रेस करते हो तो रेजर टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अभी रेजर टूल कैसे यूज़ करना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे एक ब्लेड जैसा आइकॉन आ जाता है आपके कर्सर के जगह। ठीक है, जो आपका कर्सर है उसके जगह, एंड आपको बस यहाँ पे जैसे ही आप फुटेज पे आओगे कहीं पे भी, ठीक है, जैसे ही आप फुटेज पे कहीं पे भी आओगे एंड आप क्लिक करोगे, सो वो क्लिप है वो दो अलग अलग वीडियोस में बढ़ जाएंगी। एग्जाम वापस बताता हूँ मैं, ये मैंने कंट्रोल जेड किया, अभी ये पूरी एक ही क्लिप है, आप देख सकते हो पूरी हाईलाइट हो रही है जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, पर जैसे ही मैं रेजर टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दो अलग अलग क्लिप्स में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, सो यस, ये यहाँ पे कट हो गई। अभी समझो मुझे यहाँ से उड़ाना है तो इसको मैं उड़ा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मैं वापस ला सकता हूँ। ठीक है, सो ये है रेजर टूल। ठीक है, इसका और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेजर टूल बेसिकली कैसा होता है कि क्लिप्स तो आपको एडिट करने ही है, बट अनवांटेड पार्ट, जैसे कि समझो आपको एकदम प्रिसाइज एडिटिंग करनी है, प्रिसाइज मतलब एकदम प्रिसाइज, कि समझो मुझे जो है, एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, अभी समझो कि मुझे यहाँ पे जो ठीक है मैंने बोला है वो मुझे उड़ाना है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा ठीक है बोलता हूँ। ठीक है, तो ये उड़ाना है ये वाला। ठीक है, सो अभी कैसा है, एक तो मैं कैसे इसको जूम करूँगा टाइमलाइन को, टाइमलाइन को जूम करना आपको पता है, मैंने बताया था, एक तो आप अल्ट दबा के स्क्रोल कर सकते हो, स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन उससे, एल्स आप जो है प्लस एंड माइनस बटन से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, नॉर्मली प्लस माइनस बटन से कर सकते हो, एल्स अल्ट दबा के स्क्रोल इन स्क्रोल डाउन। अभी ये जो ठीक है अपना था वो यहाँ पे था, सो ये अपने को ठीक है उड़ा देना है। तो अभी कैसे, मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, सॉरी ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड मुझे यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पे ये मैग्नेट वाला ऑप्शन है हमारा, ठीक है, स्नैप, वो ऑन करके रखा है। अभी इससे क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक, कि जैसे ही आप कट कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही आप कट कर रहे हो सो ये जो लाइन आ रही है, देखो ये फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिख रहा होगा, जो रेजर टूल के नीचे जो कर्सर है मेरा, वो एक लाइन आ रही है उसके नीचे, तो मैं जैसे जैसे कर्सर मूव कर रहा हूँ वो लाइन फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ रही है। बट अगर मैं इसके एकदम पास आ जाता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ आ जाता हूँ ये हमारे प्ले हेड के पास, तो देख सकते हो उसको डायरेक्टली जुड़ जाता है, एकदम पास ना आते हुए भी वो जुड़ जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ आपको समझेगा। ठीक है, तो ये होता है कि क्या करता है वो, कि अपना कर्सर समझो प्ले हेड के पास आया तो वो गेस करता है कि हमको जो है एक्चुअल में प्लेहेड की तरफ ही कट करना है कोई भी चीज़, बट हम प्रिसाइजली एकदम करेक्ट फ्रेम पे कट नहीं कर पाते, इसलिए हम प्लेहेड पहले वहाँ पे लेके जाते हैं
एंड अगर ये कर्सर हम वहाँ पे लेके गए तो वो अपने आप सिलेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, तो स्नैप कर लेता है, ठीक है। ये आपको समझ जाएगा जैसे जैसे आप एडिटिंग करोगे, ठीक है। सो अगर ये स्नैप मैं ऑफ रखता हूँ एंड इसको अभी ये देखते हूँ, ये देखो आप कैसे वो लाइन जो है अभी वहाँ पे नहीं आएगी, जैसे कि अगर मैं एकदम पास लेता हूँ, ठीक है, देखो लाइन एकदम पास भी लेके भी उसको टच नहीं हो रहा है। अगर मैं ऑन करता हूँ एंड पास लेता हूँ तो देखो वो टच हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेट का यूज़फुल, ठीक है। सबने मुझे यहाँ पे ये कट कर दिया एंड मैंने आगे आया एंड मुझे सो के पहले ही कट करना है, यहाँ पे सो जो मैं बोल रहा हूँ। तो अभी मैं कैसे देख सकता हूँ यहाँ पे, एक तो मैं टाइमलाइन को जूम करके देख सकता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम, बट तो भी ये टाइमलाइन अगर आप पूरा जूम करोगे तो ये बहुत ही फास्ट भागेगा। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप जो है ये तीन लेटर्स का यूज़ कर सकते हो, जे के एन एल, ठीक है। अभी ये लेटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं कि हमको समझो प्रिसाइजली एडिट करना है कोई चीज़, अभी एल जो है दैट इज़ यूज फॉर फॉरवर्ड, ठीक है। एल के जो है दैट इज़ यूज फॉर स्टॉपिंग एंड जे जो है दैट इज़ यूज फॉर बैकवर्ड। अब मैं बता देता हूँ, समझो मैं एल प्रेस कर रहा हूँ, अभी मैं माउस पे हाथ नहीं लगाया हूँ एंड मैं ये प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं जे प्रेस किया वो देख रहे हो आप वो पूरा आगे बढ़ते जा रहा है, फिर मैंने स्टॉप करना है तो मैं के प्रेस कर दिया तो वो स्टॉप हो गया। अगर मुझे जे बैकवर्ड जाना है तो मैं जे प्रेस करूँगा तो ये पूरा रिवर्स जा रहा है अभी, ठीक है। सो अभी आपको समझो यही प्रोसेस को स्लो डाउन करना है क्योंकि मुझे फ्रेम बाय फ्रेम देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि के जो है वो प्रेस करके रखूँगा एंड एल साइड बाय साइड प्रेस करूँगा। के मैंने प्रेस करके रखा है एंड एल जो है मैं साइड बाय साइड एक एक करके प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है मैं फ्रेम बाय फ्रेम आगे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, स्टेप फॉरवर्ड वन फ्रेम वहाँ से भी आप कर सकते हो, एंड यही चीज़ करने के लिए जो शॉर्टकट्स है दैट इज़ के प्लस एल। आप एक एक प्रेस करोगे एल तो वह एक एक फ्रेम आगे जाएगा, सिमिलरली के प्रेस करके मैं एक एक फ्रेम जे दबाता हूँ तो वो पीछे जाएगा, ठीक है। आपको ये यूज़ करना नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो, एल्स टाइमलाइन जूम करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैंने जो है मुझे सो उड़ाना, सॉरी ये उड़ाना था, ठीक है वाला, तो ये यहाँ पे आ गया एंड मैंने रैंडमली यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ के दबा के एंड एल दबा के, ठीक है, तो सो जहाँ पे मैं मेरा मुंह देख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मुंह देख रहा हूँ मैं कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ। और आप ये ग्राफ्स भी दे सकते हो, ठीक है, अगर आप आपका एक ऑडियो वाला फुटेज है तो आप यहाँ पे भी ग्राफ से भी पता लगा सकते हो कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है चीज़, ठीक है। सो एक्चुअल में यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है सो, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ एंड मैंने फिर वापस सिलेक्शन टूल वी दबा के ये कर दिया, या यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इसको पढ़ कर के डिलीट। बट आप डिलीट करोगे तो देख सकते हो पूरा एक ब्लैक ये आ जाता है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट भी लगा सकते हो, एल्स राइट क्लिक करके रिपल डिलीट भी कर सकते हो, एल्स अगर आपको इसको डायरेक्टली डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली शिफ्ट डिलीट करोगे तो वो डिलीट होके नेक्स्ट क्लिप अपने आप क्लिप जो है जुड़ जाएगी। तो अभी देखो तो हम वो जो ठीक है था वो उड़ा आया नहीं, राइट। तो एकदम प्रिसाइज एडिटिंग, प्रिसाइज कट लगने बहुत ज़रूरी है कोई भी एक वीडियो में, ताकि वो जो है अच्छा दिखे सामने वाले को। हम क्यों कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग, उसी लिए कर रहे हैं ना कि हम जिसको दिखाना चाहते हैं वो अच्छा लगे, ठीक है। सो यस, बेसिकली उसका जो कट टूल है या फिर जो स्प्लिट टूल है या फिर रेजर टूल है, इसका अलग अलग नाम्स भी लोग बोलते हैं, सो उसका यही मतलब है, आप जितने चाहें यहाँ पे कट्स लगा दो, ठीक है। कट टूल और एक जो हम जब भी एक वीडियो करेंगे उसके ऊपर भी बहुत मैं डिटेल में बताऊंगा, और कि इसका यूज़ आप एक म्यूज़िक वीडियो बनाने में आप कैसे कर सकते हो ये भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बीट पे जब भी एडिटिंग हम करते हैं तभी कट टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कट टूल एंड सिलेक्शन टूल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड टूल्स जब भी आप कोई भी वीडियो एडिटिंग करोगे, सो बस उतना ध्यान में रखिएगा। And guys, yes, that's it for this video. ये एक short video था for cut tool, ठीक है। तो अभी मिलते हैं next video में। मेरी video अच्छा लगा है आपको तो likes करिए, subscribe करिए and yes, bell notification भी दबाइए
एंड मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड एज ऑलवेज कीप क्रिएटिंग.